तो थंबनेल देख के अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चीज़ पॉसिबल कैसे है और है भी कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चीज़ पॉसिबल है, और आज हम इस वीडियो में पूरी वीडियो में यही बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, स्किप मत करना। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये बोलूँगा कि वीडियो का एक भी पार्ट स्किप करना आपके लिए नुकसान है, क्योंकि मैंने वीडियो बहुत समय दे के बनाई है, तो उसमें एक एक डिटेल आपको बहुत ईजी स्टेप से समझाऊँगा। तो आई विल टेल यू हाउ टू स्टार्ट, लेट्स वीडियो गेट स्टार्टेड। अब मैं आपको जो एक्सप्लेन करूँगा वो एक सिंपल स्टेप से करूँगा, सिर्फ एक ही स्टेप में आपको कंप्लीट डिटेल समझ में आ जाएगी कि किस हिसाब से इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप उसमें बेनिफिट ले सकते हैं, और 5,000 रुपये से कैसे आप उस अपने ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। एक सिंपल स्टेप है, सपोज़ आपने कोई प्रोडक्ट 50 रुपये का परचेज़ किया और आपके पास 5,000 रुपये आपके बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, जस्ट मल्टीप्लाई 50 × 100, तो आपका अमाउंट हो जाता है 5,000 रुपये। इसका मतलब आपके पास जो प्रोडक्ट पीसेज आ रहे हैं वो आ रहे हैं 100 पीसेज 5,000 रुपये में। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देते हैं। आपने परचेज़ किया 50 रुपीज़ का और सेल किया 299 का, डिडक्शन अप्रॉक्स 71 रुपीज़ हुआ और पैकिंग में आपका 4 रुपये खर्च होता है। तो प्रोडक्ट कैलकुलेशन जो होती है वो इस तरीके से होगी, 299 माइनस 71 माइनस 4 इक्वल टू 174 पर पीस जो आपको मार्जिन बचा है, दैट इज़ कॉल्ड योर ग्रॉस मार्जिन। 174 रुपये आपको एक प्रोडक्ट पे मार्जिन बच रहा है सारी फीस डिडक्शन एंड पैकिंग एक्सपेंस को काटने के बाद। नाउ यू हैव 100 पीसेज एंड 1 पीस ग्रॉस मार्जिन इज 174, देन मल्टीप्लाई बाय 174 × 100 इज इक्वल टू 17,400, 17,500 रुपये आपको 5,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे ग्रॉस मार्जिन बच रहा है। ये सिर्फ आपका मार्जिन है 5,000 रुपये के प्रोडक्ट पे 17,400 रुपये का। अब इसमें आपने इन्वेंट्री जो भी खरीदी, जो भी आपको इन्वेंट्री मिली और आपने जो बेची, उसका सिर्फ अभी 100 क्वांटिटी के हिसाब से ही आपका इसमें ग्रॉस मार्जिन हमने कैलकुलेट किया है। इट्स जस्ट 3x ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, आपने 3 गुना अपने इन्वेस्टमेंट से आउटपुट निकाल लिया है। जैसे जैसे आपके पास ऑर्डर्स बढ़ते जाएं, आप इन्वेंट्री बढ़ाते जाना, जब तक आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस प्रोडक्ट में मार्जिन अच्छा मिल रहा है आपको और कौन से प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। क्योंकि डिमांडिंग प्रोडक्ट पे अगर आप काम करेंगे तो आपके पास ऑर्डर्स भी जनरेट होंगे एंड आपके पास जो प्रॉफिट मार्जिन है उसके भी चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपके ऑर्डर्स जनरेट होते हैं वैसे वैसे आपको और भी ज़्यादा विजिबिलिटी मिलती जाती है और ऑर्डर्स की क्वांटिटी जो है वो डे बाय डे बढ़ती चली जाती है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो 50 रुपये में परचेस कर सकते हैं और वो 299 तक का सेल हो सकता है, तो आप ज़्यादा सोचिए मत, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ऐसा कोई प्रोडक्ट देखना है तो वो उसके लिए आप तो सीधा एक आगे कॉन्टैक्ट डिटेल आपको मिलेंगी, आप उस नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, कितनी इन्वेंट्री है, कौन कौन से प्रोडक्ट को आप इतने कम रेट में परचेज़ करके इतने मार्जिन पे आप बेच सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट डिटेल आपके सामने है, आप इस पर किसी पे भी मेल करके या फिर कॉल करके बात कर सकते हैं।